Assalamu alaikum students, how are you all? Today our topic is exercise 1C. In this exercise we have practiced multiplication and division. Now start our what problems of this exercise. Question number 1. Jumbo Fancy Store wants to place an order for candles. Jumbo Fancy Store है जो candles का order place करवाना चाह रहे हैं. If one box contains 144 candles, अगर एक box में 144 candles हैं, how many boxes must the shop order for a stock of 100,080 candles? उन्होंने कहा है कि वो कितने box order करें कि जिनमें 100,080 candles हों. एक बॉक्स में कैंडल्स जो हैं वो 144 हैं. वो कह रही हैं कि अब वो कितने बॉक्सेस ऑर्डर करवाएं, कितने हों जिनमें 100,080 कैंडल्स हों. तो अब हमने ये क्या करना है, हमें एक चीज़ की अमाउंट बताई हुई है तो हमने ज़्यादा चीज़ों की मतलब बॉक्सेस में बतानी है कि वो कितनी बॉक्स में कैंडल्स हैं. तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे. सॉल्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज वन बॉक्स कंटेन्स 144 कैंडल्स. एक बॉक्स में कितनी 144. हाउ मैनी बॉक्स फॉर 100,080 कैंडल्स. कितने बॉक्स होंगे जिनमें कैंडल्स होंगी 100,080. अब हम इसको डिवाइड करेंगे 144 से. 144 सिक्स आर 864. 1000 में से 864 माइनस करें तो हमारे पास आता है 136. 8 नीचे आएगा, 1368 बन जाएंगे. तो अब 144 नाइन आर 1296, जो 1368 के राउंड अबाउट थी. 1296 को माइनस करें तो 72 है, ज़ीरो नीचे आएगा, 720 बन जाएंगे. 144 फाइव आर 720. तो हमारे पास क्या आंसर है, 695. जो 100,080 कैंडल्स थी वो 695 बॉक्सेस में आ सकती हैं. Now question number 2. The government wants to build new homes for 382 homeless families. Government जो है वो जिनके पास घर नहीं है उन families के लिए 382 homes बनाना चाह रही है. If each home costs rupees 400,960, अगर एक घर की कीमत जो है वो 400,960 हो, how much will the project cost altogether? उन्होंने कहा है अगर तो फिर ये cost कितनी total आएगी. 382 होम्स बनाने हैं और एक घर की कीमत जो है वो 400,960 है. ज़्यादा चीज़ मालूम करनी है तो अब हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट. गवर्नमेंट वांट्स टू बिल्ड 382 होम्स बनाना चाह रही है. ईच होम कॉस्ट रुपीज़ 400,960. प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑल टुगेदर, हमने प्रोजेक्ट के कॉस्ट बताना है टोटल कितने आएंगे. तो अब हम ये 400,960 को मल्टीप्लाई करेंगे 382 से. 2 ज़ीरोज़ आर 0, 2 सिक्स आर 12, 2 लगा 1 कैरी, 2 नाइन्स आर 18, 18 में ये 1 प्लस करें तो 19, और ये 1 कैरी नहीं जाएगा क्योंकि नेक्स्ट 0 है. 2 ज़ीरोज़ आर 0, 2 फोर्स आर 8. नेक्स्ट स्टेप है हमारा 8 से मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लाई साइन. 2 ज़ीरोज़ आर 0, सॉरी 8 ज़ीरोज़ आर 0, 8 सिक्स आर 48, 8 लगा 4 कैरी जाएगा. 8 नाइन आर 70, 72 में 4 को प्लस करें 76. 8 ज़ीरोज़ आर 0, 8 फोर आर 32. मल्टीप्लिकेशन हमारी नेक्स्ट डिजिट के साथ 2 मल्टीप्लाई साइन आएंगे. 3 ज़ीरो ज़ार 0, 3 सिक्स ज़ार 18, 8 1 कैरी, 3 नाइन ज़ार 27, 27 में ये 1 प्लस करें तो कैरी जो था वो 28. 3 ज़ीरो ज़ार 0, 3 फोर ज़ार 12. अब हमने ये जो मल्टीप्लाई किया इन सब वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे. अब हम 0, 2, 7, 6, 6, 1, 3, 5 एंड 1. तो हमारे पास कॉस्ट ऑल टुगेदर क्या है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई. जो हमारे पास आंसर कि टोटल जो घर बनाने के लिए कॉस्ट आने हैं, टोटल जितने पैसे लगने हैं वो हमारे पास आंसर आ गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. सुपर पॉप पोटैटो चिप्स फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ 267 पीपल. सुपर पॉप पोटैटो चिप्स फैक्ट्री है जिनमें 267 पीपल एम्प्लॉयज़ काम करते हैं. इफ़ ईच वर्कर रिसीव रुपीज़
2384 as wages every month. अगर उनको every month जो pay मिल रही है, जो उनको amount मिल रही है, वो 2384 है. What is the total wage bill for one month? उन्होंने कहा है दो चीज़ें हमें मालूम करने के लिए वो बता रहे हैं कि फर्स्ट जो चीज़ है वो क्या है कि वो जो उनका टोटल बनता है वन मंथ में वो हमें अमाउंट बताएं, एंड द सेकेंड पार्ट इज़ फॉर द होल ईयर कि वो उनके पूरे साल के कितने पैसे बनते हैं, कितने उनके अमाउंट बनती है, कितनी उनकी वेजेस बनते हैं, वो हमने बताना है. तो ये दोनों पार्ट मल्टीप्लीकेशन के हैं क्योंकि यहाँ पर भी उन्होंने वन मंथ के बताना है और यहाँ पर होल ईयर का बताना है. नाउ सॉल्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट. Factory employees 267 people.